हेलो गाइज, माय नेम इज जेवी सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर पार्ट थ्री ऑफ हेक्सागन, जिसके अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। अगर पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले जाके वो देखिए। उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं, ठीक है। अब तक शायद किसी ने नहीं किए होंगे उतने अच्छे से। आप पूरे के पूरे यूट्यूब पर वीडियोज खंगाल के देख लीजिएगा, उतने अच्छे से किसी ने नहीं किए होंगे जितने अच्छे से मैंने उसमें किए हैं। अब हम करते हैं थोड़े से क्वेश्चन और उठाते हैं एक आधा क्वेश्चन जो इस बार का एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर अपना। तो गाइज देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है तो वो बता देता हूं आपको क्या है। इसके अंदर देखिए आपको फिगर दिख रही होगी एक, अब इसी फिगर में वो क्या पूछ सकता है आपसे, आपसे ये पूछ सकता है डायरेक्टली कि इसके अंदर एक ये बन रहा है, देखो एक रेक्टेंगल बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये देख लो रेक्टेंगल बन रहा है, यानी आयत बन रहा है। ये देखो मैं आपको बना के बता रहा हूँ, ये देख लो, ठीक है, ये रहा। वो पूछ सकता है इस आयत का एरिया बताओ, पहली चीज ये पूछ सकता है, ठीक है। एरिया कैसे निकालोगे आप वो बताओ। अगर आपको डायगोनल्स नहीं पता है तो आप एरिया नहीं निकाल पाओगे, बहुत दिक्कत होगी। या फिर आप बेसिक अप्रोच के साथ जाओगे, बेसिक अप्रोच के साथ जाओगे तो समय लगेगा, फिर बोलोगे कि क्वेश्चन लंबा था, पेपर डिफिकल्ट था, हुआ नहीं हमसे, ठीक है। फिर पेपर को दोष दोगे, जिसने कराया उसका कुछ पता ही नहीं भाई, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर आपको डायगोनल्स पता है तो तुरंत इसका आंसर आएगा। डायगोनल्स कौन सी, नॉन सेंटर वाली डायगोनल, तो जो सेंटर से पास नहीं कर रही है वो कौन सी है डायगोनल, वो देखो ये वाली नॉन सेंटर है, ये भी नॉन सेंटर है। नॉन सेंटर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट थ्री है होता है, यानी इसकी लेंथ रूट थ्री है होती है। अगर इसकी लेंथ ए है तो इसकी रूट थ्री है होगी, तो ये पूरी की पूरी ये जो साइड है ये कितनी हो गई, रूट थ्री है हो गई, ठीक है। ये पूरी की पूरी वाली, और ये कितनी है, ये तो ए है, ठीक है। तो एरिया कितना हुआ इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का एरिया कितना हुआ, रूट थ्री ए इंटू ए, ये हो गया रूट थ्री ए स्क्वेयर, ये हो गया आयत का एरिया यानी रेक्टेंगल का एरिया। अब और क्या चीज़ वो आपसे पूछ सकता है, एक और चीज़ वो आपसे पूछ सकता है कि इन दो आयत का एरिया और पूरे के पूरे हेक्सागन का एरिया जो, इनकी रेशो क्या होगी। देखो अभी अगर मैं यहाँ पे करा के छोड़ देता, आप में से मैं 100% गारंटी देता हूँ कि कोई बच्चा अपना दिमाग नहीं घिसाता, ठीक है। एक एक चीज़ मतलब आप लोग ना फुली डिपेंडेंट हो जाते हो। थोड़ा सा मैंने कहा कि अपना यूज़ करो ब्रेन को, तभी आप कुछ कर पाओगे। हर बच्चा बोलता है कि सर क्वेश्चन करा दीजिए, लेकिन क्वेश्चन में यार खुद भी यूज़ करो थोड़ा सा ब्रेन, तभी आपको फ़ायदा होगा। मेरे कराने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, रट्टे मार लोगे वहाँ पे जाके, कर भी दोगे तो भी लाइफ में कभी उसका फ़ायदा नहीं होगा। असली फ़ायदा होगा जब खुद अपने ब्रेन को यूज़ करोगे, ठीक है। हम लोगों का सबका दिमाग जंग लगा ताला बन चुका है, उसको खोलने का वक्त है, ठीक है। वही इस चैनल पे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी देखो इसमें क्या करने वाले हैं हम। अगला क्वेश्चन है एरिया, ये जो आयत है इसका, रेक्टेंगल का एरिया है इसका एरिया, और पूरे के पूरे हेक्सागन का एरिया, इसकी रेशो क्या होगी, ठीक है। रेशो क्या होगी रेक्टेंगल के एरिया की प्लस हेक्सागन के एरिया की, रेशो क्या होगी वो बताओ मुझे। तो ये देखो इसका एरिया है रूट थ्री ए स्क्वायर, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाल लिया, हेक्सागन का एरिया क्या होता है, छः इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्वल होता है, तो 6 × √3/4 ए स्केयर हो गया, ठीक है। तो अभी ये रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल, यहाँ पे 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो ये कितनी हो गई, 2:3 हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन वो इसमें क्या पूछ सकते हैं। गाइज ये क्वेश्चन इस बार पूछा है उन्होंने मेंस के अंदर, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसका सॉल्यूशन डाला था, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने गिनती में सॉल्यूशन डाल दिया इसका। अब आप देख लो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। दो सॉल्यूशन है इसके, ठीक है। एक फर्स्ट वाली जो सबसे पहली वीडियो डाली थी उसके अंदर ये डाला था, लेकिन एक बार दोबारा से देख लो ताकि आपका रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी पूछ रही है। तो अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो आप तो नैया पार हो जाएगी, ठीक है, बन जाओगे इंस्पेक्टर, नहीं तो फिर रह जाओगे ऐसे ही, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या करना है। इसके अंदर बोल रहा है कि फाइंड द शेडेड एरिया इफ साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज 12 cm। हिंदी वाले सुन लो इसका मतलब, कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात है नहीं, तुम्हें इंग्लिश का भी एग्जाम देना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये देखो ये 12 cm दी हुई है साइड, ठीक है, ये साइड 12 cm दी हुई है। अब आपको वो क्या बोल रहा है कि शेडिड एरिया, ये जो शेडिड एरिया है इसको निकालना है हमने, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे वो देखो, इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करो, इसको यहाँ पे मिला लो और इसको यहाँ पे मिला लो, ये देखो कुछ इस तरह की फिगर बनेगी, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ही है, इतना तो आपको पता ही है ये वाली बात। आप मुझे बताओ इसके अंदर ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। अगर कोई भी सेंसिबल इंसान है उसको देख के पता लग रहा है कि ये 1, 2, 3, 4 जो चारों के चारों त्रिभुज यानी चारों ट्रायंगल्स हैं ये सिमेट्रिकल है, यार देख के पता लग रहा है साफ। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसको आधे में डिवाइड करा तो ये बना, ऐसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसको आधे में डिवाइड किया ये और ये बना। तो ये मुझे लगता है कि इतनी कॉमन सेंस सभी के अंदर है कि ये देखते ही पता लग जाएगा कि ये चारों एक जैसे हैं, ठीक है। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात,
ये देखो ये जो डायगनल है ये है नॉन सेंटर वाली डायगनल, इसकी लेंथ कितनी होती है? मैंने आपको बताया था कि नॉन सेंटर वाली डायगनल की लेंथ होती है रूट थ्री है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए क्या है 12 है, तो ये कितनी हो गई 12 रूट थ्री हो गई। ये हाइट आ गई इस ट्रायंगल की, ये बड़े वाला ट्रायंगल देखो आप ये वाला, ठीक है, ये जहाँ कर्सर घूम रहा है वो वाला ट्रायंगल यानी वो वाला त्रिभुज देखो, उसकी हाइट आपको पता है, आपको ये 12 पता है, ठीक है। तो अभी इसका एरिया क्या बन गया इस पूरे का, हाफ इंटू 12 इंटू 12 रूट थ्री, ये बन गया इसके पूरे का एरिया। लेकिन आपको क्या ये चाहिए? नहीं, आपको ये नहीं चाहिए। अगर वो आपको ये पूरा पूछ लेता इस ट्रायंगल का एरिया, ये भी पूछ सकता था, ठीक है, फिर तो ये आपका आंसर हो जाता, लेकिन अभी ये आपका आंसर नहीं है। आपको क्या चाहिए? शेडेड एरिया। तो यानी कि आप देखो ये 1 2 3 4 ये जो चारों ट्रायंगल्स हैं ये आपस में सिमेट्रिकल हैं, ठीक है, लेकिन इन चारों में से आपको कितने का एरिया चाहिए? सिर्फ 3 ट्रायंगल्स का एरिया चाहिए, 1 2 3, इन तीनों का, इसका नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का अगर आपको तरीका यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे कि खुद देखो कि कितना हमें चाहिए, 3/4 चाहिए, देखते ही पता लग रहा है 1 2 3, 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 एरिया हमें चाहिए डिवाइड बाय 4 टोटल एरिया, ठीक है। या तो यहाँ ऐसे कर लो, जैसे मर्जी आपको, जैसा आपका दिमाग बोलता है वैसे कर लो। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बना, 4 3 12, 2 6 12, तो ये कितना बन गया 54 रूट थ्री बन गया। एक ये थ्री हो गया, ये सिक्स, ये थ्री, तो ये 54 रूट थ्री आपका आंसर हो गया। ये पहला तरीका है इसको करने का। अब दूसरा तरीका भी देख लो यार। तो गाइज दूसरे तरीके के लिए क्या कीजिए, आप सारी की सारी डायगनल्स को बना दीजिए। ये देखो मैंने ये यहाँ पे सारी की सारी डायगनल्स को जोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप देखिए कि कितने ट्रायंगल्स छोटे वाले बन रहे हैं। ये देखो जो ये ट्रायंगल है, ये देखो 1 बन रहा है, ये 2 बन रहा है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको पता था कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल में 2 बन रहे हैं, तो 6 × 2 = 12 होता है, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते थे, अगर इतना दिमाग नहीं लगाना है तो यहाँ पे ऐसे काउंटिंग करके कर लेना, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना है आप बताओ मुझे, 6 √3/4 × 12 का स्क्वायर यानी 12 × 12, ये हो गया 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, यानी कि ये पूरे हेक्सागन का एरिया हो गया। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको ये देखो ये छोटा त्रिभुज, ये छोटा, इनका एरिया चाहिए। तो अभी हमने क्या किया कि टोटल तो है 12 इसके अंदर, लेकिन हमें चाहिए कितनों का, 1 2 3, इन तीन शेडेड वालों का चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का चाहिए डिवाइड बाय टोटल कितना है 12, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब आपके पास 3 × 4 = 12, ये हो गया 4 3 = 12, और ये हो गया 4 3 = 12, तो ये वो 3 3 = 9 6 = 54 रूट थ्री। तो अगेन इसका भी आंसर क्या हो गया, 54 रूट थ्री हो गया, ठीक है। अब मेरी बात एक और ध्यान से सुनो यार, कि ये क्वेश्चंस आएंगे तो ये किसी भी तरीके से आ सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ये वाला शेडेड एरिया पूछ लिया, तो वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। अभी क्या है कि अगर वो बाई चांस ये पूछ लेता ना, ये देखो इसको मिला दिया हमने अगर, तो ये मान लो शेडेड नहीं है, सिर्फ वो क्या बोलता, ये वाला बताओ, ठीक है। और ये कोई भी डायगनल यहाँ पे ड्रॉ ना की होती, सिर्फ ये ड्रॉ किया होता, ये देखो ये जितना पार्ट मैंने दिखाया ना अभी आपको, ये ग्रीन वाला, सिर्फ ये ड्रॉ किया होता, ये पूछ लेता ना आपको, तो आपकी हवाइयाँ उड़ जाती, आपको समझ ही नहीं आता, क्योंकि डायगनल्स वहाँ ड्रॉ नहीं की होती, तो आपको समझ नहीं आता कि इसका एरिया कैसे निकालें। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। इसका एरिया दो तरीकों से, इसका भी एरिया निकल सकता है कि ये देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर होता है, तो उसका आधा कर दो तो इसका एरिया आ जाएगा। नहीं तो ये नहीं करना है, तो आपको पता है कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के आपको कितना चाहिए, एक ही ट्रायंगल का एरिया चाहिए ये वाले का, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एरिया को 1/12 से, ठीक है, तो उससे भी आ जाएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर क्वेश्चंस की बनती हैं। बाकी अपना भी दिमाग घिसाओ तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने अपना दिमाग लगाया इसके अंदर, मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिली, वो मैंने एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए गाइस प्लीज़, ठीक है। इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, इसको अभी के अभी लाइक कीजिए गाइस, ठीक है। चलो लाइक करो, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एनरोल नहीं किया तो एनरोल कीजिए, मुझे आप फॉलो करना चाहते हैं तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। GB witmover के नाम से कहीं भी सर्च कर लेना, वहाँ पे मेरा अकाउंट आपको मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू टेक्निक्स एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।